श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखर सुधार वरनहु रघुवर विमल यस जो दायक पल चार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियरम पवन तने संगट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सोर भूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सियाराम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय बोली बालाजी महाराज की जय बोली उमापति महादेव की जय बोली कृष्ण बलदेव की जय बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। आइए बंधुओं, रामायण पाठ जी में जिस स्थान पर कल वाणी को विश्राम दिया था उसी स्थान से आगे चलेंगे। रामायण पाठ श्रवण करने से, प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने से हमारे घर में सुख शांति का वास होता है और हमारे कार्यों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है। जो भी हम व्यापार करते हैं उसमें वृद्धि होती है, धन का आगमन बढ़ता है और घर में सभी प्राणियों में प्रेम का वास होता है। इसलिए हमें रामायण पाठ प्रतिदिन कुछ समय अवश्य श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप सभी हमारे श्री बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, आदमी धार्मिक आयोजन करवाने हेतु या किसी समस्या के निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। नाते साते मुनि नाते के मातु सकल पर लोग सेवक सैनप सचिव सब आए बकल वियोग हो रामा। हे नाथ मुनि नाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंध सुन गोर आगे वनु सिय समी पेरा के रिपुदा बनु चले सेवक राम तही काला धीर धरम धोर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुन्द्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वो परम धीर धरम धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गोरा ही दे के सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुन वर धाई लिए और लाई प्रेम उमग बेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ
वशिष्ठ जी ने दौड़कर हृदय से लगा लिया। प्रेम में मगन उमंकर वह दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नामों की नहीं दूर ते दंड पर नामों। राम सकार सिबर बस भेटा जनो मही लुटत सने है समेटा। प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सका जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया होगे। रघुपति भगति सुमंगल मूला नव सराही सुर बार सही फूला। आई समय निपट नीच को नाई बड़े वशिष्ठ समय को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों की मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगते हैं। जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय ही लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुन राहु सियारामा। सौ सीतापत भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ सियारामा। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोगे राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय ही भाए रहा अविलासी तही तही के तस तस रुक राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस बाप से मिलने के अविलासी था उस प्रकार रुक रखते भय उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिले पल माहू सबे काऊ की नहीं दूर दुखेदारों ने दाऊ। ये बड़े बात राम के नाई जिम घट कोट एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख कंठित संतापों को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मेले के वट ही उमगी अनुरागा
पूरे जने सकल सराही भागा देख राम दुखित में तारी जन सुवेल अवली हिम मारी समस्त प्रवासी प्रेम में उमंकर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया होवे। प्रथम राम भेट ही के कई सरल सोवाए भगति मत भई पग परिकीन प्रबोध बहोरी काल करम विदेश रेधारी खोरी। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया, फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विधाता के सिर दोष मणकर श्री राम जी ने उनको संतावना दी। भेट रघुवर मातु सब करी प्रबोध परी तो सु हम इस आधीन जग काऊ ने दे ही दोसु। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गोरती है पदे बांधे दो भाई सहित बे प्रति है जय संग आई गंगे गौर समय सब सन मानी दही असीस मुदित मृदोवानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ में आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमंत्र अंका जनो भेटी संपत्ति अतिरंका पुण्य जरनी चरणन दो भ्राता परे पेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पड़कर सुमंत्र जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो गई। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े, प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अत अनुराग अव और लाए नैन सने सलील अनवाए तहि अवसर कर हरस बिसादु किम कव कहे मुख जिम स्वादु। बड़े ही सने से माता ने उन्हें हृदय लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें
नहला दिया। उस समय के हर्ष विषाद को कभी कैसे कहवे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिले जन ही सान जेरा घोराऊ, गोरे सन के हूं कि धार ही पाऊ। पूरे जन पाई मुनि सनियो गो, जल थल तके तके उतरऊ लोगो। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। मैं ही सोर मान तेरी मातू, गोरे गाने लोग लिए सात सिया रामा। पावन आशीरन गवन किए भरत लखन रघुनाथ सिया रामा। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए वे भरत जी लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आही मुनि वर पग लागी, उचित आशीष लई मन लागी। गोरे पति नहीं मुनि तियन समेता, मिले पहमु कही जाई न सीता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी, उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली, उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। बांधे बंदे पगे सी ऐसा वही के, आशीर वचन लय प्रिय जी के। सासु सकल जब सी निहारी, मुंदे नैन सहम सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरण कमलों की अलग अलग वंदना की, अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। पर बध के बस मन हुमराली, काहे की नहीं करे तार को चाली। तिने सिए निरख निपट दुख पावा, सो सब से ही जो देहूं सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियों के बंदी के बस में पड़ गई हूं मैं। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सामने वह सब सेना ही पड़ता है। जनक के सुता तवे और धर धीरा, नील नलीन लोअन भर नीरा। मिले सकल सासुन सिय जाई,
तई अविसर करुणा मई चाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमन के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। लागे लागे पगे सवनी सिए भेटती अति अनुरागे सिया रामा। हृदय असी सही पै में बस रहूं भरी सुहागे सिया रामा। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं सने व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सवेरानी बैठन सबहि कहूं गोर ज्ञानी। कहीं जग गायत माय के मुने ना था कहे कछु के पर मारत गाथा। सीता जी और सबरानियां सने के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर अर्थात जगत का मायका है इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। निरपय कर सोर पोर गवन सुनावा सोने रघुनाथ दो से दुख पावा। मरण ही तेने जिने हूं बेचारी बे अत बिकल धीरे धारु भाद्री। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ण गमन की बातें सुनाई जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुसे दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर दिली धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल बह गए। कोले से कठोर सुनत कटु बानी बिले पन्ने लकन सिय सवेरानी। सो के बिकल अति सकल समाजू मानहु रा।